वहीं खरगोन जिले में आशा उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांग लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बता दें कि पिछले कुछ सालों से संघ की यह लड़ाई चल रही है कि उन्हें नियमित कर सम्मानजनक नियुक्ति दी जाए, जिससे वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके, लेकिन कई बार शासन प्रशासन स्तर पर आवेदन देने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते आशा उषा और सहयोगिनियों कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। इस दौरान संघ जिला अध्यक्ष रेखा रणसोरे ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने ज्ञापन दिया है तो अभी COVID-19 का जो सर्वे दिया गया था कील कोरोना, उसमें समस्त आशा सहयोगिनी उषा ने बहुत अपनी जान को जोखिम में रख के ये सर्वे किया गया है। उसके बाद भी अभी सरकार को बिल्कुल भी आशा उषा और आशा सहयोगिनी पे कोई दया नहीं आई है। अब आज ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि हमने इतना अच्छा काम करने के बाद भी हर अधिकारी जाता है तो आशा और आशा सहयोगिनी की प्रशंसा होती है, तो मुख्यमंत्री जी को ये पता क्यों नहीं है कि आशा उषा और आशा सहयोगिनी ग्रामीण में इतना अच्छा काम कर रही है। अभी सबको पता है कि कितनी महामारी थी, कितना इस बार कितनी मृत्युआं हुई है, कितना कील कोरोना कितना संकट वाला था, फिर भी आशा कार्यकर्ता वो आशा सहयोगिनी ने जाकर जिसको कोरोना पॉजिटिव था उसका ओटू लिया है, उसका टेम्परेचर लिया, वो ऑक्सीजन लिया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज हमने ज्ञापन इस विषय में दिया है कि समस्त जिला की आशा कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी आज से हड़ताल पे हैं। जब तक ये हमारी 6 मांगे हैं ये पूरी नहीं की जाएगी, जब तक हम लोग हड़ताल पे ही